भारतीय जनता पार्टी हर बार राजनीति में कुछ फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। बात साफ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रिशन, गुजरात तो वेल डेवलप्ड स्टेट है, क्यों बुलेट ट्रेन दिए, क्यों साबरमती रिवर फ्रंट दिए, क्यों गिफ्ट सिटी दिए, इसका मतलब जो कुर्सी में बैठा हुआ है वो सब सारे लेकर जा रहा है। अगर जो बैकवर्ड स्टेट्स को अगर कुछ देना है तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश, वो अलग बात है। तो यहां पर जो परमिशंस भी, सैंक्शंस तो छोड़ो, बजट रिलीज तो छोड़ो, सैंक्शन देने में भी ये लोग विवक्षा दिखा रहे हैं। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या उन लोगों को तकलीफ है? फाइनेंशियल बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, ओके आई विल एक्सेप्ट। वेर एज इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वाई यू हैव नॉट गिवन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज टू साउथ? तो जहां पर उनको तकलीफ है वहां पर हम सवाल पूछेगा तो वो जय श्री राम बोलने वाले। हर चीज के लिए उनका एक ही जवाब है, जय श्री राम। तो जय श्री राम इस देश में मोदी जी नहीं सिखाए, हमारे दादा परदादा से लेकर हजारों सालों से हमको पता है श्री राम, राम राज क्या है, कैसे चला है, सब कुछ हमें पता है। तो मोदी के लिए सब कुछ राजनीति है, सब कुछ चुनाव जीतने का ही है। इसीलिए मोदी का जो सोच है ये सोचधारा देश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए बिना मोदी, बिना बीजेपी अभी देश का जरूरत है। आंतरिक सुरक्षा में मैं वही बात बोल रहा हूं ना, हर चीज के लिए वो जय श्री राम बोलने वाले। तो वो मैं सीधा सीधा, पुलवामा इंसिडेंट इज क्लासिक एग्जाम्पल, दे आर फेल्ड। आईबी क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है, पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है, पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है, क्यों होने दिए, देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है, क्यों आईबी रॉ ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप? तो वहां पर आपका फेल्यूर है ना, उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। तो आंतरिक सुरक्षा कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हम ऐसे वैसे देश को किसी के हाथ में छोड़ने के लिए हम लोग राजी नहीं है।